विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से संबंधित कंपनी के ठिकानों पर आईटी रेड का मामला गूंजा। वहीं हंगामे के दौरान अनंत ओझा, विरंची नारायण, नीरा यादव, राज सिन्हा, जयप्रकाश भाई पटेल, समरी लाल और ढुल्लू महतो एवं आजसू विधायक लंबोदर महतो भी सदन के बाहर धरने पर बैठे नजर आए। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने से बरामद किए गए करोड़ों रुपए कैश के बाद झारखंड में लगातार विपक्ष हमलावर है। बता दें कि धीरज साहू के ठिकाने से 500 करोड़ की बरामदगी को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर हंगामा किया। वे सवाल उठा रहे थे कि 500 करोड़ किसका। इस दौरान पत्थर चोरी, कोयला चोरी, बालू चोरी या ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भाजपा के विधायक लगातार सीबीआई जांच की मांग करते नजर आए। कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार मान लिया है और राज्य की जनता यह जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है, वो 500 करोड़ रुपया किसका है। वो कांग्रेस का है, वो धीरज साहू का है, वो हेमंत सोरेन जी का है, वो पत्थर के लूट का है, वो कोयले चोरी का है, वो खजाने के लूट का है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का है। आखिर वो पैसा है किसका, ये झारखंड की जनता को जानने का अधिकार है। और इसीलिए कांग्रेसी, जो भ्रष्ट कांग्रेसी हैं, उनको शर्म भी नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कि ये तो उनका पुश्तैनी पैसा है। क्या कोई नकद पैसा 500 करोड़ रखने का ये कानून अधिकार देता है क्या? चुल्लू भर पानी में डूब कर ऐसे भ्रष्ट कांग्रेसियों को मर जाना चाहिए। कहाँ सोनिया गांधी हैं आज, कहाँ राहुल गांधी हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, उनके मुंह में ताले क्यों पड़ गए हैं, ये राज्य और देश की जनता जानना चाहती है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।